तो ये है TP-Link UB500 ब्लूटूथ 5.0 नैनो USB अडाप्टर। अगर आपके PC के मदरबोर्ड में इनबिल्ट ब्लूटूथ का सपोर्ट नहीं है या फिर आपका लैपटॉप का ब्लूटूथ खराब हो चुका है तो आप इस नैनो USB अडाप्टर का इस्तेमाल करके आपके PC को या फिर आपके लैपटॉप को ब्लूटूथ एनेबल कर सकते हो और उसके बाद जो भी सारे ब्लूटूथ डिवाइस है उसे आपके PC से आराम से कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ब्लूटूथ कीबोर्ड, माउस हो गए, या फिर ब्लूटूथ हेडफोन्स, या फिर ब्लूटूथ स्पीकर्स, या फिर इवन दो गेमिंग कंसोल्स एंड आपके मोबाइल फोन को ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करके उसका लाभ आप उठा सकते हो। तो ये ब्लूटूथ अडाप्टर आपको एक साल की वारंटी के साथ देखने को मिल जाता है और पीछे की तरफ इसका जो MRP मेंशन है जो कि 899 रुपीज़ है, लेकिन ये आपको 600 रुपये के अंदर ही देखने को मिल जाता है। अगर आपको इसका लेटेस्ट प्राइस जाना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उसका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हो या फिर वहीं से इसे खरीद भी सकते हो। और ये USB अडाप्टर का जो ब्लूटूथ वर्जन है वो 5.0 है, जो कि 4.0 से वो काफी एडवांस्ड वर्जन है। जैसे कि आपको ब्लूटूथ 4.0 में मैक्सिमम 10 मीटर की रेंज देखने को मिली, तो यहाँ पर आपको उससे 4 गुना ज्यादा यानी कि 40 मीटर तक की रेंज आपको यहाँ पर आराम से देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर इसकी जो बैंडविड्थ स्पीड है उसे भी काफी इंप्रूव किया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको डबल बैंडविड्थ स्पीड देखने को मिल जाती है। यानी कि इस USB अडाप्टर से आपके PC से मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक ही साथ उसे लाभ उठा सकते हो और यहाँ पर आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता। 4 गुना ज्यादा वायरलेस रेंज एंड डबल बैंडविड्थ स्पीड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर प्राइस भी ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं है दोस्तों, जो इसका TP-Link का ही जो पुराना वर्जन है ब्लूटूथ 4.0 का उससे सिर्फ 100 रुपये ज्यादा लगाने से यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.0 का एडवांटेज देखने को मिल जाती है। और ये USB अडाप्टर आपके विंडोज 7 से लेकर विंडोज 11 तक के सारे विंडोज OS के साथ कंपेटेबल है। तो चलिए हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर आपको एक ब्लूटूथ 5.0 नैनो USB अडाप्टर देखने को मिल जाती है और उसके साथ आपको क्विक इंस्टॉलेशन गाइड भी देखने को मिल जाती है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो चलिए हम इसे अपने PC से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसे आप आपके कंप्यूटर के USB 2.0 या फिर USB 3.0 किसी भी पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये अडाप्टर ऑटो डिटेक्ट हो जा रहा है और यहाँ पर जो ब्लूटूथ का लोगो है वो शो करने लग रहा है, यानी कि मुझे यहाँ पर कोई भी ड्राइवर्स को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपके PC में ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं हो रहे तो यहाँ पर आप मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा और वहाँ से आप लेटेस्ट ड्राइवर है उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना होगा। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई इश्यूज देखने को नहीं मिलते। और आपके ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पर ब्लूटूथ का लोगो है उसके ऊपर क्लिक करो और ऐड ए ब्लूटूथ डिवाइस को सेलेक्ट करो और उसके बाद आपके डिवाइस को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बस उतना ही दोस्तों, आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। तो इस डिवाइस को लेकर आपके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं तो पहले मैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश कर सकता हूं। तो पहला कॉमन सा सवाल यह है कि क्या हम इस डिवाइस को यूज करके अपने नॉन ब्लूटूथ होम थिएटर या फिर स्पीकर्स को ब्लूटूथ एनेबल कर सकते हो? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप इसे यूज करके आपके होम थिएटर या फिर कार को ब्लूटूथ एनेबल नहीं बना सकते हो। ये सिर्फ ब्लूटूथ अडाप्टर है, ना कि ब्लूटूथ ट्रांसमीटर। इसे यूज करके आप ओनली अपने PC या लैपटॉप को ही ब्लूटूथ एनेबल कर सकते हो, ना कि किसी होम थिएटर या फिर कार को। अगर आपके स्पीकर या फिर होम थिएटर को ब्लूटूथ एनेबल करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से ब्लूटूथ ट्रांसमीटर देखने को मिल जाते हैं, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसे कैसे करना है वहां पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई दोस्तों, यहाँ पर आई बटन में हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो दूसरा सवाल ये है कि अगर आपके पास ब्लूटूथ 4.0 या फिर उससे पुराना वर्जन वाला ब्लूटूथ डिवाइसेस है तो क्या हम इस अडाप्टर से उसे कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आपको यह भी बात ध्यान में रखना होगा कि अगर आपके पास ब्लूटूथ 4.0 वाला हेडफोन है तो वहां पर आपको जो भी बेनिफिट्स देखने को मिलेगी वो ब्लूटूथ 4.0 वाले ही बेनिफिट्स देखने को मिलेगी, ना कि ब्लूटूथ 5.0 वाले। यानी कि यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.0 के जो फुल वायरलेस रेंज है वहां पर देखने को नहीं मिलेगी, आपको वायरलेस रेंज लगभग ब्लूटूथ 4.0 वाले ही वायरलेस रेंज देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको कोई इश्यूज नहीं रहेगा, आप इसे आराम से ब्लूटूथ 4.0 या फिर पुराने वाले डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। अगर इन फ्यूचर आप ब्लूटूथ 5.0 वाले डिवाइसेस खरीदते हो तो वहां पर आपको ब्लूटूथ 5.0 के सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। और एक सवाल यह है कि क्या हम इस ब्लूटूथ 5.0 डिवाइस से आपके मल्टीपल डिवाइसेस को एट ए टाइम कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके यूज कर सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ पर आपको यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा इन कंपैरिजन टू ब्लूटूथ 4.0। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है, क्या हमें इसे लेना चाहिए? तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपके PC को ब्लूटूथ एनेबल करना चाहते हो तो ये बेस्ट चॉइस रहेगा। ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं और TP-Link काफी ट्रस्टेड ब्रांड है दोस्तों, यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ब्लूटूथ अडाप्टर खरीदना चाहते हो तो आप ब्लूटूथ 4.0 को स्किप करके इस वाले के साथ जा सकते हो, यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी वायरलेस रेंज एंड अच्छी स्पीड देखने को मिल जाती है। तो यह था ब्लूटूथ अडाप्टर के बारे में। अगर आप आपके PC के लिए कम बजट में बेस्ट वाईफाई अडाप्टर को ढूंढ रहे हो तो उसका भी मैंने ऑलरेडी रिव्यू बना के रखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर आई बटन में उसका वीडियो देखने को मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो अगर हाँ तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आपके कोई भी सवाल या फिर सुझाव तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो दोस्तों। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।